हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक्टिवा 7G की, जो कि हाइब्रिड होने वाली है, जैसे कि आप इस पोस्टर में देख सकते हैं। तो जिसका आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे, एक्टिवा 7G का, कम से कम 2-3 साल से। अब एक्टिवा 7G लॉन्च होने वाली है 23 जनवरी को, जैसे कि आप ऑफिशियल इनके पोस्टर में देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक हाइब्रिड एक्टिवा होने वाली है, यानी कि ये पेट्रोल और बैटरी दोनों से ही चलेगी, जिससे आपको इस वाली न्यू एक्टिवा में काफ़ी अच्छी माइलेज देखने को मिलेगी, लगभग एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के बराबर। अभी जो पेट्रोल वाली एक्टिवा है उसमें आपको माइलेज मिलती है 50 से लेके 55 तक की, और किसी को 45 भी मिलती है, वो कंडीशन के ऊपर है। तो दोस्तों, अभी जो न्यू वाली एक्टिवा आ रही है इसमें आपको लगभग माइलेज 70 या 80 तक तो मिलेगी, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिल जाती हैं जो बजट रेंज में होते हैं। इस वाली न्यू एक्टिवा में ऐसा होगा कि अगर आप इसको 40 की स्पीड तक चलाते हैं तो ये प्योर इलेक्ट्रिक पे चलेगी कम से कम 20 या 15 किलोमीटर तक, और उसके बाद अगर आप स्पीड को तेज करते हैं तो ये अपने आप पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जिससे आपको काफ़ी अच्छी माइलेज भी मिलेगी अगर आप 40 की स्पीड तक चलाते हैं। और ऊपर से दोस्तों, जो इसकी बैटरी है उस अलग से चार्ज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, ये अपने आप ही चार्ज होगी चलते वक्त। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर होने वाला है इस स्कूटर में। और दोस्तों, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि जो एक्टिवा 6G है वो क्या डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि वो वाली एक्टिवा को डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा। जो अभी वाली एक्टिवा जो लॉन्च होने वाली है हाइब्रिड वेरियंट में, इसका जो प्राइस है वो लगभग 1 लाख से लेके 1 लाख 20 हज़ार तक जा सकता है। तो जो पुरानी वाली एक्टिवा है एक्टिवा 6G, उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया जाएगा, ताकि जो लोग बजट में एक्टिवा लेना चाहते हैं तो उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अच्छी माइलेज चाहिए तो आप न्यू वाली एक्टिवा की तरफ जा सकते हैं, और इसका जो प्राइस है वो ओला स्कूटर से तो कम ही होगा। और अगर मैं बात करूं डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन आपको टोटली चेंज देखने को मिलेगा ओल्ड वाली एक्टिवा से। आपका जो डिज़ाइन है काफ़ी स्पोर्टी लुक में आपको मिलने वाला है, एंड उसी के साथ आपको इस वाली एक्टिवा में कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल होने वाले हैं। जैसे कि आपको स्मार्ट की का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इस वाली न्यू एक्टिवा में, शायद ये फीचर ऐड हो सकता है। एंड अगर बात करूँ सबसे बड़े चेंज की, जो कि आपको इस वाली एक्टिवा में ज़रूर देखने को मिलेगा, वो होने वाला है इसके पेट्रोल टैंक को लेकर। अब जो पेट्रोल टैंक है आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इसकी बूट स्पेस है उसमें बैटरी को प्लेस किया जाएगा, जो कि हाइब्रिड वाली होने वाली है। तो जिसकी वजह से जो इसका फ्यूल टैंक है वो आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा कुछ आपको इसमें फ्यूल टैंक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चेंज की बात करूँ तो वो आपको इसके इंस्ट्रूमेंटल कंसोल में देखने को मिलेगा, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा अगर मैं कंपेयर करूँ ओल्ड वाली एक्टिवा से। बाकी दोस्तों, जो व्हील हैं वो आपको अलॉय में मिलेंगे, न्यू डिज़ाइन में मिलेंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल ये काफ़ी शानदार स्कूटर होने वाला है होंडा की तरफ से, और ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की मार्केट है पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, जैसे कि ओला और एथर हो गए। तो अब देखते हैं होंडा अपने इस स्कूटर को किस प्राइस पे लॉन्च करता है, तो उसकी भी अपडेट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी अगर आप एक्टिवा के लीक्स देखना चाहते हैं तो उसके लीक्स भी जल्दी आने वाले हैं, तो आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।